अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अहम न्यूज़ से आपको आगाह कर दें। पाकिस्तान T20 स्क्वाड वर्ल्ड कप 2021 के स्क्वाड में PCB की तीन बड़ी हैरान कुन गलतियां सामने आ गईं। पाकिस्तानी स्क्वाड तीन खिलाड़ियों की वापसी का भी ऐलान। आइए आपको बताते हैं कौन सी गलतियां कहां पे मिस्टेक हुई है और कौन कौन से खिलाड़ी की सही सिलेक्शन नहीं हुई और उनकी जगह पे अब तीन नए खिलाड़ी कौन से शामिल होने जा रहे हैं। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इन खिलाड़ियों को शामिल करना भी चाहिए या नहीं, और इन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तानी स्क्वाड कितनी मजबूत और बेहतर हो सकती है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो दोस्तों, तफसील में जाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो बराए मेहरबानी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन जरूर इनेबल कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर अपडेट्स आपको वक्त पर और फौरन मिल सके। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो यहां पे आसिफ अली को मेरे ख्याल के मुताबिक गलत सिलेक्शन किया गया, और इसके अलावा हारिस राउफ और यहां पे सरफराज अहमद को नहीं लिया गया, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को नहीं लिया गया। इन तीन खिलाड़ियों को अगर लिया जाए तो स्क्वाड बहुत ही अच्छा हो जाए।